छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलकत्ता मामले पर कहा कि इस मामले में दोषी को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने एक सवाल भी उपस्थित किया कि सीबीआई इस मामले की जांच करी है तो वे अभी तक किस नतीजे पर पहुंची है, क्योंकि न्याय की उम्मीद पूरा देश कर रहा है। कार होता है तो वैसे भी जघन्य अपराध है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाए तो और वो अक्षम्य है, और ऐसे में जो दोषी व्यक्ति हैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ममता बनर्जी की सरकार ने और उसकी पुलिस ने जरूर, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की कि एफआईआर करने में विलम्ब हुआ और डेड बॉडी देने में विलम्ब किया गया है, इस पर उन्होंने टिप्पणी की है। लेकिन अब 5 दिन हो गया सीबीआई की सौंपे, उस किस नतीजे पर पहुँचे हैं, क्योंकि यदि स्टेट की एजेंसी यदि असफल रही है तो सेंट्रल की एजेंसी कर रही है वो किस नतीजे में पहुंची है, क्योंकि न्याय की उम्मीद पूरा देश कर रहा है, क्योंकि देश पूरा आंदोलित हुआ, लगातार घटनाएं घट रही है। जो नाबालिग बच्चियां हैं उनके साथ रेप हो रहे हैं, अभी हमारे छत्तीसगढ़ में रक्षाबंधन के दिन एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, ये परसों की बात। तो लगातार इस प्रकार से जो घटनाएं हैं वो बढ़ रहा है और ये कोई अच्छा संकेत नहीं समाज के लिए।